जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हमेशा साथ रहने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ, जिसमें मतलब मुझे बहुत टाइम हो गया, लाइक आपको लोकेशन थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा बिकॉज मैं अभी करंटली इंडिया आई हुई हूँ मेरी डिलीवरी के लिए। तो मैं ना जनवरी में आई थी इंडिया, बट मुझे घर पे गेस्ट आ रहे थे और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही थी, तो मैं बार बार शुक्राना सत्संग करने नहीं आ पा रही थी। बट आज गुरुजी ने पता नहीं क्या किया कि राइट में मैंने नीलम आंटी को कॉल किया कि मुझे आज शुक्राना सत्संग करना है, तो प्लीज़ आप मुझे टाइम बताइए। सो शुक्राना गुरुजी महाराज का उस चीज़ का। तो 8th of January को ना मैंने ट्रैवल किया था वहाँ से फ्रॉम जमैका, और 10th of January को मैं इंडिया पहुँची थी रात को 10 बजे यहाँ पे। तो लाइक 8th of January को जब मैं निकली थी ना वहाँ से, तो मैंने मतलब दो दिन पहले क्या हुआ, मैं पैकिंग कर रही थी, लाइक 5th January 6th January की बात है ये। तो मैंने, गलती मेरी थी एक्सेप्टेड, मैं क्या कर रही थी, बैग पैक कर रही थी और टाप के जा रही थी उसमें, तो मेरा पैर फंस गया था उसमें, मैं जब टाप के जा रही थी। तो प्लीज़ बताइए ये भजन किसकी वॉइस आंटी जी है। आंटी, ये शायद प्रिया गुलाटी आंटी का है। मैं आपको, मैं इसमें लिंक डालूंगी लेटर ऑन सत्संग के बाद, तो आप लोग सब वहाँ से भजन ये ले सकते हो। तो मैं ना ऐसे टाप के मतलब जा रही थी सामान लेने के लिए, तो मेरा पैर फंस गया था उसमें बैग में, एंड मैं गिर गई थी। जब मैं घिरी थी ना, तो मैं यू करके घिरी थी, एंड मैं प्रेग्नेंट हूँ अभी, तो मैंने ना तुरंत ये पेट को ऐसे बोला, पकड़ लिया, और मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, गुरुजी मुझे बचा लीजिए। और मेरे पैर में ना लिगामेंट का इशू है, लिगामेंट टियर है लेफ्ट नी में। तो मेरा ना एक्सीडेंट की वजह से ना, तो एकदम से ऐसे कटक करके एकदम से ऐसे आवाज़ आई थी, तो मैंने बोला अब तो मैं गई, अब मेरा फ्रैक्चर हो गया एंड मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊँगी। बट मैंने बोला गुरुजी बचाओ, गुरुजी प्लीज़ मुझे बचाओ, गुरुजी मुझे प्लीज़ बचाओ। और जैसे ही मैं धीरे धीरे जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी करके मैं उठी और मैं चलने लगी, बट मैं प्रॉपरली चल पा रही थी। बट प्रॉब्लम यह हो रहा था कि मेरे ना पेन बहुत हो रहा था, इट वॉज़ पेनिंग लाइक एनीथिंग। तो मैंने बोला ठीक है, अभी अभी कुछ कर लेंगे। और मैंने फिर नेक्स्ट, मेरे फिर वही दिमाग चला कड़ा प्रसाद वाला, कि मैंने क्या किया, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, और मैंने भोग लगाया गुरुजी को, और उसमें से मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड के लिए मैंने आधा निकाला और आधा मैंने जिपलॉक बैग में से मंत्र जाप लगा के तुरंत मैंने सेक किया। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे को जाना है, आपको पता है मुझे इंडिया जाना है, मेरे को फ्लाइट है, तो प्लीज़ आप कुछ प्रॉब्लम मत कर, मतलब कुछ हो ना मुझे, आप मेरी रक्षा करना। तो गुरुजी तो बोलते हैं ना कि मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी इंडिया आने के लिए, बिकॉज मैं 3.5 years के बाद अपनी फैमिली को मिलने वाली थी। तो गुरुजी बोलते हैं ना कि सुख में तो तुम बहुत खुश होते हो, पर मैं तुम्हें दुख देता हूँ तो मैं देखता हूँ तुम क्या करती हो। तो उस वक्त भी मैंने उनको शुक्राना किया कि शुक्राना मतलब आपने कुछ, मतलब मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी बला आने वाली हो सकती थी, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला हो सकता था, वो गुरुजी ने टाल दिया छोटे में। सो मैंने वो सेक किया ना दो दिन, मतलब 6th and 7th, मेरी 8th की फ्लाइट थी, 6th and 7th को मैंने सेक किया, तो इतना फ़र्क पड़ गया मुझे दो दिन में। लाइक मैं चलने की हालत में नहीं थी, मैं धीरे धीरे चल रही थी, बट गुरुजी की कृपा की वजह से, गुरुजी की वजह से मैं इतने अच्छे से, मैंने फिट एंड फाइन थी। लाइक मैं 8th of January को मैंने जब फ़्लाइट ली थी ना, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरे को कोई पेन नहीं हुआ। आपको पता है फ़्लाइट्स में कैसे AC होते हैं, कुछ पेन नहीं था, कुछ भी नहीं थी। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं जब 8th of January को वहाँ से निकली थी ना, तो 10th of January वॉज ट्यूजडे। सो ट्यूजडे एंड वेनेसडे बॉम्बे, और मैं बॉम्बे लैंड हो रही थी। सो मुंबई मंदिर इज ऑलवेज क्लोज, लाइक दिल्ली का मंदिर, बड़े मंदिर की तरह, दैट ट्यूजडे वेनेसडे नॉन संकट डेज होते हैं, एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे आर ओपन। तो जब मैं वहाँ से निकली थी ना, तो मैं गुरुजी को बोल के निकली थी कि गुरुजी प्लीज़ मंदिर खुलवा देना मेरे लिए, मेरे को आपके दर्शन करने हैं, मुझे आपका शुक्राना करना है कि आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स ये दी है, तो मुझे उस चीज़ का शुक्राना करना है, तो प्लीज़ आप ना मंदिर ज़रूर खुलवा देना, मुझे दर्शन करने। तो मैं ना एक वहाँ पे संगत के साथ कॉन्टैक्ट में थी, संगत अंकल के साथ, एक संगत आंटी के साथ कॉन्टैक्ट में थी मैं।
तो जब मैं वहां पे पहुंची, मतलब मैंने सुबह 5 बजे मैं लैंड हुई थी 10 जन को मॉर्निंग में। तो वहां पे ना अंधेरी में ही मैं लैंड, अंधेरी ईस्ट में थी मैं, वहां पे एयरपोर्ट के पास ही मैंने होटल लिया था, वो गुरुजी की संगत का ही होटल था। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर वहां से मैं 10 बजे मुझे अंकल का कॉल आया कि आंटी मैं आपको ना पिक करने आ रहा हूँ। और अंकल वॉज लाइक मेरे होटल से उनका घर 1 घंटे का ड्राइव, एंड 1 घंटा आना 1 घंटा जाना। बट पर्सनली वो अपनी, मतलब मुझे पिक करने आए, मुझे मंदिर लेके गए। और आप इमेजिन, मैं ऐसा सोच रही थी जैसे गुरुजी पर्सनली मुझे लेने आए हैं, मुझे पिक करने आए हैं, मेरे को स्पेशली वो अपने मंदिर में, दरबार में लेके जा रहे हैं कि चल तू मेरे साथ और शुक्राना कर इस चीज़ का। सो मैं वहाँ पे, मैं वो आए मुझे लेने, एंड वो इतने कंसर्न फील हो रहे थे लाइक कि, क्योंकि वहाँ के ना बॉम्बे मंदिर के रोड्स बहुत गंदे हैं। लाइक बीच में कोई रोड एरिया आता है मंदिर से पहले, वहाँ पे ना बहुत सारे खड्डे हैं। वो अंकल बहुत कंसर्न थे, उनकी वाइफ आंटी जो है उनकी, वो भी बहुत अंकल को बार बार बोल रही थी कि वेट देखो वो प्रेग्नेंट है, वो 6 मंथ, तब मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो 6 या 7 मंथ प्रेग्नेंट थी मैं। तो बोले कि देखो वो प्रेग्नेंट है, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, सो प्लीज़ बी केयरफुल, आराम से जाना, आराम से उसको लेके जाना। ही वॉज वेरी, दे वर वेरी कंसर्न फॉर मी। तो जब रोड्स, जब वो गंदी वाली रोड आई ना, तो वहाँ से ना येलो कलर की बटरफ्लाई फॉलो करने लगी हमको। तो अंकल ने मुझे बोला गुरुजी हमारे साथ है, देखो गुरुजी येलो कलर की बटरफ्लाई है, सो गुरुजी हमारे साथ है। सो जय गुरुजी, शुक्राना। फिर हम लोग जो मंदिर गए, मंदिर पहुंचे, तो अंकल ने मुझे बोला कि साक्षी आंटी आप अपना टाइम लेना, बहुत ज़्यादा मतलब जल्दबाजी मत करना, अंदर जाओ, मंदिर ओपन हो गया है आपके लिए। एंड मंदिर ओपन हो गया था फॉर मी, लाइक मेरे लिए स्पेशली, गुरुजी ने नॉन संगत डे पे मंदिर खुलवाया मेरे लिए। तो वहाँ पे मैं अंदर गई, तो वहाँ पे कोई एक अंकल थे, सेवादार अंकल, मुझे नाम याद नहीं है उनका। तो मैंने उनको बोला कि मैं दर्शन करने आई हूँ साक्षी आंटी, मैं जमैका से आई हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मुझे पता है आपका तो आज दर्शन करवाना है, तो मुझे पहले से ही इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो आप जाइए अंदर दरबार में जाके बैठ जाइए। मैं दरबार में वहाँ जाके बैठी, और संगत जी इतना सुंदर दरबार, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब मेरी तो आंखें, मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं हटू ही नहीं इस दरबार से, मेरी आंखें पलकाऊ भी नहीं मैं, इतना सुंदर दरबार था। इतना वाइट कलर के चोले में, वेलवेट के चोले में गुरुजी थे, एंड इतना सुंदर दरबार था, बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस इतनी आ रही थी वहां पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर वहां पे मैं थोड़ी देर बैठी, तो संगत आंटी वहां पे थे, तो आंटी ने बोला बेटा, संगत आंटी ने पूछा आंटी पानी पियोगे, मैंने जल प्रसाद पियोगे, मैंने बोला हाँ आंटी बिल्कुल पियूंगी। तो उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया, उन्होंने बोला आप वहाँ बैठो दरबार में, मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो मैं वहाँ दरबार में बैठी, मैं जल प्रसाद लेके वो आए, फिर उन्होंने मुझे 2 बॉटल जल प्रसाद की भी दी एज ए प्रसाद के, आपका ये जल प्रसाद आप लेके जाइए। मैं ऐसा सोच रही थी कि जैसे गुरुजी पर्सनली सब कुछ मेरा टेक केयर कर रहे हैं, उनको पता है कि मतलब इसको शुक्राना सत्संग करना है, उनको पता है कि इसके, मैं ये प्रेग्नेंट है, और मेरे से ज़्यादा मेरा बेबी ब्लेस्ड हो रहा था, मैं ये सोच रही थी। देखो ये मैं, मेरी ये सोच थी कि ये सारी ब्लेसिंग्स मुझे पहले मिल सकती थी, बट मेरे बेबी को शायद गुरुजी को ब्लेस करना था, इसलिए गुरुजी बार बार मतलब मुझे जल प्रसाद दिलवा रहे हैं मेरे को। फिर वहाँ पे मैं वहाँ पे ना क्या हुआ, मैं वहाँ बैठी, तो अंकल आंटी ने बोला आंटी आप 2 मिनट बाहर जाके बैठिए। तो मैं वहाँ बाहर ना स्टेयर्स थी, मैं स्टेयर्स पे बैठ गई थी। तो मुझे आंटी आके बोलती है कि आंटी आप स्टेयर्स पर मन बैठिए, आप पीछे अच्छे से टेक लेके बैठिए। उन्होंने भी देखा कि ये प्रेग्नेंट है करके, तो मैंने बोला ठीक है आंटी मैं यहाँ बैठती हूँ। और मैं जब तक संगत जी बैठू ना, वहाँ पे 3 बटरफ्लाइज थी, एक ब्लैक कलर की थी, एक वाइट कलर की, और एक रेड कलर की, 3 बटरफ्लाइज बार बार घूमती जा रही, घूमती जा रही, घूमती जा रही। उसके बाद थोड़ी देर में ना आंटी आए, और आंटी क्या लेके आते हैं, चाय प्रसाद और पकोड़ा प्रसाद। मैंने बोला वाह जय गुरु जी, मतलब आप इमेजिन करो कि नॉन संगत डे पे के सॉरी एक्सक्यूज मी, नॉन संगत डे पे आपको
चाय प्रसाद, जल प्रसाद, पकोड़े प्रसाद आपको मिल रहा है जब संगत, जिस दिन उस दिन संगत डे नहीं होता है तो भी गुरु जी आपको ब्लेस कर रहे हैं अपने लंगा प्रसाद खिला के। क्या पता कुछ भी मतलब कुछ ब्लेसिंग्स होगी उसमें गुरु जी को, जो उन्होंने मुझे ब्लेस करना था, मेरी बेबी को ब्लेस करना था, और उन्होंने चाय प्रसाद दिया, जल प्रसाद दिया, पकौड़े प्रसाद दिया, और इतने यम थे ना पकौड़े में, क्या बताओ। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं फिर क्या हुआ, वहाँ से मतलब जब तक मैं पकौड़े खा रही थी ना, तब तक एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी, वो वहाँ पे फ्लावर पे बैठी हुई थी, और अपना फ्लावर पे वो जैसे मेरा वेट कर रही है कि मेरा जब ख़त्म हो तो मैं जाऊँ और वो फ्लाई करे, उड़ जाए। तो जब तक मैंने वो पकौड़े प्रसाद, चाय प्रसाद खा रही थी मैं, तब तक वो बटरफ्लाई वहीं बैठी हुई थी एज इफ। एंड जैसे ही मैं निकली, मतलब मैंने प्लेट वेट रखी, मैंने उनसे हाथ जोड़े, गुरुजी का शुक्राना किया, और फिर मैं जब गई तो तब वो बटरफ्लाई ने फ्लाई किया। सो जय गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। एंड इट वॉज सो ब्लेस्ड डे फॉर मी संगत जी, इतना ब्लेस्ड था, इतना ब्लेस्ड मेरे ना, मैं को आज भी वो दिन याद करती हूँ ना तो मेरे को होता है कि यार क्या गुरुजी ने पल दिए वो मुझे, मतलब बेस्ट डे था वो मेरे लिए, बेस्ट डे था वो मेरे लिए। सी उसके बाद मैं कार में बैठी तो अंकल ने मुझे थोड़ी ब्लेसिंग्स दी, बोलती आंटी आपके लिए, मैंने बोला शुक्राना, जय गुरुजी। और पता है मैंने, पता है मैं ना बड़ी लालची हूँ ब्लेसिंग्स के लिए, बहुत लालची हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे जमैका में ये सब चीज़ें नहीं मिलती टू बी फ्रैंक। तो मैं गुरुजी को वहाँ से बोल के गई थी जमैका में कि गुरुजी मैं जब भी इंडिया पहुँचूँ ना बस मुझे ब्लेसिंग्स मिल जाए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे। तो गुरुजी की लीला होती है, गुरुजी की विश होती है, गुरुजी की मर्जी होती है, अनटिल हम कुछ भी नहीं कर सकते जबकि उनकी मर्जी ना हो, इनकी मर्जी ना। ठीक है, फिर ये हुआ तो मैं जब 10th of Jan को, मैंने एक्चुअली मैंने मेरी फैमिली को नहीं बताया था, मैंने मॉम डैड किसी को भी नहीं बताया था कि मैं जमैका से इंडिया आ रही हूँ, से मेरे दीदी जीजू को पता था, वो लोग एयरपोर्ट लेने आए थे। तो जब मैं आई तो मैं घर पे आई, मैंने मॉम डैड को सरप्राइज दिया, फिर मैंने मम्मा को जल प्रसाद दिया, मैंने बोला मम्मा ये गुरुजी के मंदिर का, तो मम्मा बोले तू मंदिर हो के आई, उन्होंने ये पूछा, तो मैंने उनको पूरा बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे मुझे दर्शन करने को मिले गुरुजी की कृपा से। सो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैं और मम्मी ना गुरुजी की बातें कर रहे थे, लाइक 11 बजे होंगे मॉर्निंग के, हम लोग बातें कर रहे थे। तो एक दिल्ली में संगत अंकल है, तो उन्होंने बहुत पहले मेरे से एड्रेस लिया था, तो मैंने मतलब मैं जब बैठे थे बातें कर रहे थे तो एकदम से कुरियर वाला आता है, बोलते कुरियर, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी सिस्टर का कुरियर है, बिकॉज वो कुछ ना कुछ मंगाती रहती है फ्रॉम ऑनलाइन वेबसाइट्स, तो मैं समझ गई इसका ही होगा, और उस पर नाम लिखा हुआ था मेरा। मैंने बोला मेरा कुरियर, मैं ऐसे ढूंढी, मैंने बोला वाह जय गुरु जी, गुरु जी आपने क्या भिजवाया, मतलब मैं ऐसे सोचो। ठीक है, 11th of Jan, एंड संगत जी यू विल नॉट बिलीव, उसमें ये गुरु जी का दरबार था, ये सुंदर दरबार गुरु जी का, एंड आई वॉज सो हैप्पी। मैंने बोला, मैंने और मम्मी तो हम लोग तो शुरू हो गए, कैंची वैंची लेके आए, चाकू लेके आए कि खोले कुरियर, खोले क्या है बॉक्स के अंदर, और जैसे ही खोला तो इट वॉज दरबार। तो मम्मी बोलती है बहुत सुंदर दरबार है बेटा, तू ले जा मत खोल इसको, तू पैक कर ले। मैंने बोला नहीं मम्मी, यहाँ पे खोलते हैं हम लोग, गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने भिजवाया तो यहाँ पे करते, जब मैं जाऊँगी तब देखेंगे, मैं लेते भी जाऊँगी, अभी बहुत टाइम है मेरा जाने में। सो जय गुरु जी शुक्राना। अभी 11th Jan को ये था, 12th of Jan को मैं यहाँ पे बड़ौदा संग था, यहाँ पे बड़ौदा में, तो लाइक मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ, तो यहाँ पे सत्संग था, तो मैंने डाल दिया कन्फर्मेशन, 1 संगत 3 संगत, लाइक 2 आंटियाँ भी थी मेरे से, एक सामने हमारे आंटी रहती है और एक मम्मा की फ्रेंड है, तो वो भी थे हमारे साथ, तो हम 3 जन ने प्लान किया कि हम लोग जाते हैं सत्संग में। अब आप देखो सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स कैसे मिलती है, वहाँ पर भी मुझे ब्लेसिंग्स मिली, तो वहाँ पर मैं गई सत्संग अटेंड किया। एंड संगत जी मैं एक बार बोलूँ, सत्संग में इतना मतलब ब्लेसिंग्स, इतना ब्लेस्ड होता है ना सत्संग अटेंड करना। एंड सत्संग में मैं जैसे ही गई, जैसे ही शब्द स्टार्ट हुए, एक उनका स्टार्ट हुआ, शब्द स्टार्ट हुए, गुरबानी स्टार्ट हुई, मेरी बेबी के मूवमेंट स्टार्ट हो गए, तो आई वॉज लाइक कि वाह मेरी बेबी को बहुत अच्छा लग रहा है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल रही है, गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं, सो बहुत अच्छा लग रहा था उस वक्त। फिर जब हमने लंगा प्रसाद खाया तो
उसके बाद ना हमको वहाँ से ब्लेसिंग्स मिली, सो वी गॉट कैलेंडर और ये गुरुजी का ये वाला ब्रेसलेट मिला मुझे यहाँ वहाँ से। तो वहाँ पे ना मैंने हमारे एक आंटी, जो आंटी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना मम्मा के लिए भी मांग लो ब्लेसिंग्स। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं मांगूंगी, मुझे नहीं अच्छा लगता किसी से ऐसे। मेरी मम्मा नहीं आई थी उस दिन क्योंकि मेरी दीदी की बेटी यहाँ पे थी, तो मम्मा नहीं आ पाई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मांग लो ब्लेसिंग्स। मैंने बोला मुझे नहीं अच्छा लगता किसी से मांगना, गुरु जी को देना होगा तो वो खुद देंगे। तो हम लोग जब निकल रहे थे तो मैंने आंटी वहाँ पे जो एडमिन आंटी है, एक मोनिका आंटी है, तो मैंने मोनिका आंटी को बोला कि आंटी हम लोग जा रहे हैं जय गुरु जी ऐसे करके। तो उन्होंने बोला कि आप मम्मा की ब्लेसिंग्स लेके जाओगे, वो ना आ नहीं सकते, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो सत्संग में बेचारे आ नहीं पाते, तो आप उनके लिए ब्लेसिंग्स ले जाओ। मैंने बोला ठीक है आंटी, बिल्कुल लेके जाऊंगी। सो देखो गुरु जी ने खुद दिलवाई, क्यों? क्योंकि मैंने गुरु जी सुनते सब कुछ है, देखते सब कुछ है, राइट? तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं मांगूंगी, मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता, तो गुरु जी ने सामने से ब्लेसिंग्स दिलवाई। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये सब हुआ। उसके बाद मतलब इतनी सारी मैं क्या बताऊँ आपको संगत जी, कि एक 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 करके मतलब कोई कभी मुझे कोई रोहित अंकल है वो मुझे ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, फिर सेठी अंकल है वो ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, फिर मतलब मेरे को ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स आती जा रही है घर पे, मतलब कुरियर्स पे कुरियर्स मेरे आते रह रहे हैं। सो आई वाज लाइक कि वाओ गुरुजी आप कितना ब्लेस्ड कर रहे हो, लाइक आप तो मेरी बेड के ऐश करवा रहे हो। मैंने आपको बोला था कि मेरे को ब्लेसिंग्स की, मतलब मैंने उनको बोला था कि गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स की बहुत लालची हूँ मैं, तो इतनी ब्लेसिंग्स मुझे नहीं पता था। अब 1st February को ना मेरी एनिवर्सरी थी, तो उस दिन मैंने गुरुजी को बोला था गुरुजी मेरे को ना छोटा सा गिफ्ट चाहिए आपसे। मैं हमेशा, मेरा बर्थडे होता है, मेरी एनिवर्सरीज होती है ना, तो मैं गुरुजी से गिफ्ट मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए, आप कुछ भी गिफ्ट दोगे वो एक्सेप्टेड होगा, मुझे ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली यही गिफ्ट चाहिए, चाहे वो छोटी ब्लेसिंग हो चाहे बड़ी ब्लेसिंग हो, बट वो एक्सेप्टेड होगा। तो उस दिन क्या हुआ था, मम्मा ने ना, एक अंकल है संजीव अंकल करके दिल्ली में, मम्मा ने उनसे ब्लेसिंग्स मंगाई थी, तो उनकी ब्लेसिंग्स मंगाई थी। तो उसमें ना मम्मा ने उनको बोला था, संगत को बांटती है मम्मा यहाँ पे जब सत्संग होते हैं या किसी संगत को नीड होती है, तो मम्मा उनको लॉकेट प्रेशर बांटती है, मतलब ब्लेसिंग्स में मतलब ब्रेसलेट बांट देती है, तो मम्मा वो सब मंगाती है उनसे। तो मम्मा ने उनसे मंगाया था। अब उन्होंने, अंकल ने क्या किया कि उन्होंने ना ब्लेसिंग्स में ब्लेसिंग्स ऐड कर दी मेरी और मम्मी की, और उसमें लिखा आपकी ब्लेसिंग्स, साक्षी आंटी की ब्लेसिंग्स। मैंने बोला वाओ जय गुरुजी, और मैं इतनी खुश, मैंने बोला गुरुजी एनिवर्सरी गिफ्ट आपने ब्लेसिंग्स फिर से दे दी, वाओ जय गुरुजी। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, आजकल वो ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय का हैंगिंग वाला जो बोर्ड्स आते हैं वो था, बहुत सुंदर सा ब्रेसलेट थे उसमें, और कार स्वरूप था। सो आई वॉज सो हैप्पी, वाओ जय गुरुजी। फिर थोड़ी दिन बाद मुझे एक और ब्लेसिंग्स का कुरियर आता है, उसमें गुरुजी का कटआउट होता है, उसमें बहुत सुंदर कटआउट होता है गुरुजी का, और मेरे हस्बैंड का कटआउट होता है, और वो अंकल बोलते हैं ये आपके एनिवर्सरी गिफ्ट है हमारी तरफ से। सो इतना मतलब इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है मैं क्या बताऊँ। अभी फिर वहाँ पर, और जब से संगत जी मैं आई हूँ ना जमैका से इंडिया, बड़ौदा में महीने में एक सत्संग होते थे, बट जब से मैं आई हूँ तो गुरुजी की ऐसी कृपा है। वो उस दिन आंटी भी बोल रहे थे, अब बड़ौदा सत्संग में, मतलब बड़ौदा में महीने में 2 सत्संग होते थे, और फरवरी में तो इस बार 3 सत्संग हो गए थे, 3 सत्संग हो गए। आई डोंट नो वो गुरुजी ने कैसे मतलब कमाल कर दिया। सो इतना मतलब कृपा है ना गुरुजी की, मैं क्या बताऊँ। सो इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी आपकी हर बात सुनते हैं, हर बात मतलब आप छोटी सी छोटी बात उनसे करते हो ना वो भी आपकी सुनते हैं। आप उनको कितना भी, आप उनसे तभी मैं बोलती हूँ हमेशा कि आप उनके स्वरूप से बात करो, उनके स्वरूप से बातें करो, उनसे प्यार करो। क्यों? इसलिए क्योंकि वो आपकी बात सुनते हैं। तो बहुत, कल मेरी बेटी का बर्थडे है, गुरुजी ऑलवेज ब्लेस माई डॉटर, हैप्पी बर्थडे आंटी जी, एंड गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। तो ये सब गुरुजी के प्लान्स होते हैं। अभी फिर मैं वहाँ पे सत्संग में, एक और जगह सत्संग था, मतलब 5th February को था आई थिंक सो सत्संग,
तो हम लोग गए थे, बहुत दूर था वो, तो मेरी मम्मी मुझे बार बार बोल रही थी कि बेटा बहुत दूर है, तू प्रेग्नेंट है, रोड्स खराब है। मैंने बोला मम्मी गुरुजी साथ में है, कुछ नहीं होगा मुझे, आप चलो मेरे साथ प्लीज़, और सत्संग अटेंड करो। तो सत्संग अटेंड करने हम लोग आजवा रोड, यहाँ से बहुत दूर है, मतलब यहाँ से काफ़ी दूर था, हम लोग आधा घंटे का रास्ता था यहाँ से। तो हम लोग गए वहाँ पे रिक्शा, ऑटो रिक्शा में हमने सत्संग अटेंड किया वहाँ पे। वहाँ पे भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हमको, दो ब्लेसिंग्स मिली, एक ब्रेसलेट मिला हमको और एक मतलब पूरा दरबार छोटा चरण चरण बॉक्स, जिसमें भाई गुरुजी है, शिव जी है, गुरुजी है और गुरुजी के चरण है, बहुत सुंदर मिला। फिर 10th ऑफ फेब को भी सत्संग था, 10th ऑफ फेब को भी हम लोग गए, बट उस दिन तो बड़ा मज़ा आया। उस दिन तो गुरुजी ने पता है बहुत मतलब हम लोग को ऐश करवाई है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों ने मतलब ब्लेसिंग्स, ऐसा नहीं है कि हर सत्संग में मैं ये सोच के जाती हूँ कि ब्लेसिंग्स मिले, उस दिन हमें नहीं मिली, तो हमने बोला गुरुजी कोई बात नहीं, इस बार नहीं दी कोई बात नहीं। अब गुरुजी का देखो क्या, 17th ऑफ फेब को मेरी मॉम को ना बुखार चढ़ गया था, 18th ऑफ फेब को शिवरात्रि का सत्संग था, तो 17th ऑफ फेब को मेरी मम्मा को 101 फीवर शाम को चढ़ गया, तो मैंने गुरुजी को, और मेरा नोज रनिंग स्टार्ट हो गया, मैं बीमार हो गई। 18th ऑफ फेब को शिवरात्रि के सत्संग में मतलब मैंने कंफर्मेशन दे दिया था कि हम चार संगत आए थे, बट उस दिन हम लोग जा ही नहीं पाए सत्संग में। शायद हो सकता है संगत जी के गुरुजी की मर्जी नहीं थी उस दिन मेरे लिए कि मैं, और मैंने जैसे मैं गुरुजी से ना रो रही थी कि गुरुजी आज मेरे से क्या गलती हो गई कि आपने मुझे सत्संग में नहीं बुलाया, आज तो शिवरात्रि थी, आज तो बहुत बड़ा सत्संग था और आपने मुझे आज ही नहीं बुलाया। तो मुझे ना मैसेज में फेसबुक ओपन करती हूँ और तुरंत ना आपको, आप फेसबुक ओपन करोगे या व्हाट्सएप ओपन करोगे तुरंत आपको आंसर मिलेंगे गुरुजी के, गुरुजी से। तो तुरंत मुझे आंसर मिले, तब मुझे आंसर मिला कि तेरे ऊपर ना बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, वो मैंने अपने ऊपर ले लिया। सो कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती थी मेरे साथ। सो जय गुरुजी, शुक्राना उस चीज़ का, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब उसमें भी गुरुजी की मर्जी थी, उसमें भी गुरुजी की भलाई थी कि उन्होंने 18th ऑफ फेब को मेरे को सत्संग नहीं अटेंड करवाया। सो उस चीज़ का बहुत शुक्राना। सो उस बोलते हैं ना कि तुम दुख में भी शुक्राना करो, तुम सुख में भी शुक्राना करो, हर चीज़ में तुम शुक्राना करो। और गुरुजी हमेशा, मैं जब भी फेसबुक ओपन करूँ ना, गुरुजी हमेशा मुझे बोलते हैं कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, तू जिन्ना शुक्राना करेगी मैं उन्ना तेनु ब्लेस करूँगा। तो वाकई वो बात है कि हमको जितना हो ना, घर पे बैठे हो पूरा टाइम फ्री बैठे हो, शुक्राना 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 बोलते रहो। अभी लास्ट 2-3 डेज की बात है, मुझे ना रात को नींद नहीं आ रही थी तबीयत खराब होने की वजह से, और मेरा ना हेडेक बहुत होता था दोपहर में, तो मैं रोती थी तो मम्मी मेरा सिर दबाती थी कभी या कुछ। अभी मम्मी के पास ना मंत्र जाप की मशीन है, तो मुझे नींद नहीं आती थी ना, तो मम्मी मेरे पास ना मंत्र जाप की मशीन लगा देती थी रात को, और वाकई मुझे नींद आ जाती थी। मतलब ये गुरुजी का मतलब ऐसे ब्लेस करते हैं, वो ऐसे आपको प्यार करते हैं कि हम लोग को कुछ नहीं होता, आप गुरुजी का मंत्र जाप करो। अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप उस वक्त गुरुजी का मंत्र जाप करो। अगर आपको, आप जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी बोलते जाओ, या आप ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशय, उसका मंत्र आप बोलते जाओ, आपको ही फायदा, आपका ही होगा, क्योंकि आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी उसमें। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और कल ना मेरे को रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना था, गायनेक के पास। तो अभी मेरा 8th मंथ स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट मेरा 9th मंथ नेक्स्ट मंथ है, तो यही वाला सत्संग तो बहुत अच्छा सत्संग है। तो उसमें क्या हुआ संगत जी, मैं डॉक्टर के पास गई सुबह मॉर्निंग में 9 o'clock में, हमें और मम्मी गए। तो मैं मम्मी के पास जब गई ना मम्मी के साथ, तो वहाँ पे ना हम लोग हॉस्पिटल जब पहुँचे तो गायनेक के पास चेक करा नहीं, तो वहाँ ना बहुत सारी चप्पलें पड़ी थी, बहुत सारी मतलब जैसे पता है जैसे भीड़ लगी हुई हो बहुत सारी। तो मैंने मम्मी को बोला आज तो बड़ी भीड़ है यार, हम तो जल्दी आए फिर भी इतनी भीड़ है। तो मम्मी ने बोला चल अंदर तो चलते हैं। अंदर गए तो पूरा हॉस्पिटल खाली। मैंने बोला ये क्या, तो वहाँ पे ना एक पेशेंट थी, तो उसने, उसकी डिलीवरी थी, उसने बेबी बॉय ब्लेस्ड किया था। तो वहाँ पे ना पूरी फैमिली उनकी आई थी, लाइक 15 to 20 people आए थे, 15 से 20 जन आए थे। तो वहाँ पे ना मैं गई, वहाँ पे नर्स ने, उसने बोला आप आ जाओ मैं आपका बीपी चेक करती हूँ। तो मैंने बोला आज तो मेला लगा हुआ है यहाँ पे। तो बोलती है कि हाँ वो डिलीवरी है ना,
तो मैंने बोला मैडम आ गए क्या, मतलब डॉक्टर आ गए क्या? बोले हाँ वो ओटी में है। मैंने बोला अच्छा, तो मैंने बोला क्या हुआ है, बेटा हुआ है बेटी हुआ है? मैं ऐसे बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला नहीं बेबी बॉय हुआ है। तो मैंने बोला अच्छा ओके चलो बढ़िया। तो वो ना जिनके मतलब 15 to 20 जो फैमिली आए थे ना, तो वो ना खाना नाश्ता चाय और वाइट वाले जो पेड़े आते हैं, वाइट वाले पेड़े, तो वो लेके आए थे। तो अब वो लेके आए, तो डॉक्टर वो नर्स बोलती है कि यार सुबह सुबह एक तो नाश्ता लेके आ गए, चाय लेके आ गए, हमें खुशबू आ रही है बड़ी और हमें भूख लग रही है। तो मेरी ना हंसी छूट गई, मैंने बोला बात तो सही बोल रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा बीपी चेक हो गया, मैं वहाँ जाके बैठी। तो वहाँ पे ना सब लोग अंदर अपना मिठाई का डब्बा खोल रहे थे, पेड़े का, वाइट पेड़े का, और खा रहे थे। मतलब तो मैं देख रही थी, तो मेरी तो बड़ी इच्छा हो गई, सच्ची बोलूँ संगत जी, मेरी इच्छा हो गई वाइट पेड़ा देख के खाने की। तो मेरे को ना क्रेविंग स्टार्ट हो गई एकदम से। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी एक एक पेड़ा हमको भी दिलवा दो, मैंने उनको ये बोला। अब गुरुजी तो गुरुजी है, तो मैं मम्मी बोलती तू कैसे बोल रही है गुरुजी को। मैंने बोला तू क्या है, पेड़ा तो पेड़ा ही खिला रहे हैं ना, और क्या खिला रहे हैं, उसमें भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी हमको। तो मम्मी बोले ठीक है देखते हैं, मम्मी चुप हो गई। अब वहाँ पे ना जब एक वहाँ से ना एक अंकल बाहर आए, तो मुझे पूछते कैसे हो आप। तो मैंने बोला मैं आपको जानती हूँ। तो बोलते कि अरे मैं गुरु कृपा वाला। मैंने बोला अच्छा, हमारे घर के बाद जो मिठाई की दुकान है आप वो अंकल हो? बोले मतलब मैं उनको रिकग्नाइज नहीं कर पाई, मैं उनको पहचान नहीं पाई। तो उन्होंने बोला हाँ मैं वही हूँ, वही अंकल हूँ मैं। और तो मैंने बोला आपके यहाँ पे हुआ है, मतलब आपके घर में हुआ है बेबी बॉय? तो बोले हाँ मेरी भतीजी को बेटा हुआ है। मैंने बोला अच्छा चलो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने ऐसे बोला। और मम्मी ने भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस किया। अब वो ना हमारे सामने मिठाई का डब्बा फिर खोल के फिर एक दूसरे को खिलाना चालू कर दिया उन्होंने। अब मैं मम्मी को यूँ देखूँ, मम्मी मुझे देखे, और हम लोग ना ऐसे मतलब मुंडी अच्छा नहीं लगता ना, मतलब वो लोग खिला रहे एक दूसरे को और हम लोग स्टेयर करें उस चीज़ को तो नहीं अच्छा लगता। तो हम लोग एक दूसरे से बातें करते करते ऐसे मुंडी हिलाने लगे। तो उतने में वो अंकल ने क्या किया बताए, वो जो अंकल थे ना उन्होंने अपनी वाइफ को इशारा किया कि इन दोनों को भी मिठाई दे, ऐसा इन दोनों को भी पेड़ा खिला ऐसे। तो वो आंटी मेरे पास आ गई डब्बा लेके कि लो बेटा आप भी पेड़ा खाओ ऐसे करके। तो मैंने बोला वाह जय गुरु जी। तो मैंने पेड़ा उठाया, मम्मी ने यहाँ से पेड़ा उठाया, हमने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको बहुत बहुत बधाई। और हम लोग मम्मी और मैं एक दूसरे को दे रहे हैं, मैंने फटाफट पेड़ा खाया। और मम्मी बोलती है ले तेरी इच्छा थी पेड़ा खाने की, ले गुरु जी ने देखो पेड़ा भी खिला दिया। सो गुरुजी ऐसे है, मतलब हम मनी जो इच्छा होती है या मन की बात होती है ना वो सुनते हैं, वो डेफिनेटली आप सुनते हैं, आपके ऊपर है। आप उनको कैसे ट्रीट करते हो, आप उनसे कैसे बात करते हो, वो आपके ऊपर है। मैं हमेशा सत्संग में यही बोलती हूँ। सो गुरुजी मुझे इतनी हंसी, और कल में जितने लोग मुझे मिल रहे हैं ना मैं सबको ये सत्संग सुना रही हूँ, पता है गुरुजी ने आज हमारे साथ ऐसे किया, हमको हॉस्पिटल में पेड़ा खिलाया, गुरुजी ने हमारे साथ ऐसे किया हमको हॉस्पिटल में पेड़ा खिलाया। तो उसमें भी उनकी ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की, मैं ये सोचती हूँ हर चीज़ में, जो भी आप चीज़ खाओ ना वो गुरुजी का ब्लेस्ड है हर चीज़। अभी जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि शिवरात्रि में लोग इतने फास्ट रखते हैं कि फरारी खाना खाएंगे, बट नहीं, जब आप सत्संग में जाते हो ना प्लीज़ आप फरारी खाना मत खाया करो। आप सत्संग में जाके आप ये नहीं बोल सकते हो कि आज मेरा शिवरात्रि का फास्ट है और फरारी खाना मैं खाऊंगा क्योंकि शिवरात्रि, नहीं, आप जो लंगर प्रसाद है आप वो खा सकते हो क्योंकि उसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है, गुरुजी बहुत ब्लेस्ड करते हो उस चीज़ में। तो प्लीज़ संगत जी आप लोग वो मतलब आप मना मत किया करो कि सॉरी मना मत किया करो कि मैं नहीं खा सकती, वो ही आपका ब्लेस्ड है। वो एक्चुअली बोलते हैं ना कि जब आप सत्संग में आते हो आप जो खाते हो वो आपके लिए दवाई है, पर आप सत्संग से बाहर निकलते हो तो आपको दुआई मिलती है गुरुजी की। सो आप हमेशा वो चीज़ किया करो कि आपको कहीं पे भी, इवन आप पते अभी पते उस दिन क्या हुआ था, हम लोग ना 10th of February को मम्मी के साथ, मैं मम्मी और सामने वाली आंटी, हम लोग सत्संग में गए थे। अब वो आंटी का उस दिन एनिवर्सरी थी सामने वाली आंटी की, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे एक आंटी आए हुए थे, तो बोल रहे कि बहुत हैवी हो गया है मुझे, मैं नहीं खा सकती। चाय प्रसाद में मतलब क्या था, मट्ठी वो शक्कर वो नमक पारे आते ना लंबे वाले वो थे, और पेड़े थे शायद येलो वाले पेड़े थे। तो वो आंटी ने क्या किया बताए, अपने मतलब अपने में से उन्होंने निकाल के दूसरी प्लेट में डाल दिया, दूसरी कटोरी में उन्होंने पेड़े डाल दिए थोड़े के, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे थोड़े नमक मतलब। तो और वही जो
उस दिन वो आंटी की एनिवर्सरी थी और वही कटोरी उनके पास आई, तो उनके पास तीन पेड़े आ गए, दो पेड़े की जगह तीन या साढ़े तीन ऐसे कुछ पेड़े आए थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे को उन्होंने दिखाया, मैंने बोला कोई बात नहीं आप चुप करके खा लो आपको ब्लेसिंग मिली। तो कभी भी अपने बोलते हैं ना अपनी थाली में से चीज निकाल के दूसरों के उसमें नहीं डालनी होती, क्योंकि वो अपनी ब्लेसिंग्स होती है, क्योंकि जो आपके पास जो आने वाली ब्लेसिंग्स होगी ना वो सामने वाले के पास चली जाएगी, तो कभी भी वो नहीं करना चाहती। इवन सत्संग में हम लोग जाते हैं ना यहाँ पे, हम लोग इतनी बार संगत को एडमिन आंटी बोलते हैं, हमारा ग्रुप बना हुआ है बड़ौदा संगत में, उसमें एडमिन आंटी हमेशा डालते हैं मोनिका आंटी के प्लीज़ मोबाइल स्विच ऑफ करो या प्लीज़ मोबाइल साइलेंट पे रखो, बट संगत नहीं सुनती है, वो बाहर जाके फ़ोन पे बातें करेंगी या फ़ोन बजेगा तो फ़ोन देखेंगी। एक आंटी उस दिन वैसे ही हुआ, एक आंटी थी उनके इतने फ़ोन बज रहे थे, इतने फ़ोन बज रहे थे ना, हम लोग सही में हम लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि संगत जी क्या होता है पता है, सत्संग में कॉन्सेंट्रेशन एक होता है राइट, उसमें आपको इतनी ब्लेसिंग्स गुरु जी की मिलती है तो आपका वो कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट हो जाता है। इतने फ़ोन बज रहे थे उन आंटी के, लिटरली वो आंटी को बोलना पड़ा कि प्लीज़ आंटी अपना मोबाइल बंद कर दो या तो साइलेंट कर दो, और वो फ़ोन जैसे ही फ़ोन देख रहे हैं वो फ़ोन देखती जा रहे, बट कभी भी बोलते गुरुजी बोलते थे, गुरुजी के वचन में लिखा है कि आपके आने वाली जो ब्लेसिंग्स होगी ना आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे ये फ़ोन में वो सारी ब्लेसिंग्स आपके उस कॉन्टैक्ट्स में चले जाएंगे। तभी गुरुजी बोलते हैं कि कभी भी फ़ोन मत यूज़ किया करो, जब मेरे सत्संग मेरे पास आते हो तो फ़ोन मत यूज़ किया करो या सत्संग में आते हो तो कभी भी फ़ोन मत यूज़ किया करो। सो अपने चीज़ बोलते ना अपनी जो चीज़ अपनी ब्लेसिंग्स होती है ना वो किसी को आपको देनी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं देनी चाहिए। इवन क्यों बोलते हैं बड़े मंदिर से जब दर्शन करो या कोई भी बॉम्बे मंदिर है, बड़े मंदिर है, डुगरी मंदिर है, छोटा मंदिर है, कहीं पे भी आप दर्शन करने जाओ तो क्यों बोलते हैं कि सीधा घर जाना चाहिए, किसी के मतलब किसी के घर होते हुए नहीं जाना चाहिए, क्यों मना करते गुरु जी? क्योंकि हमारी जो ब्लेसिंग्स होती है वो सीधा हम घर जाएंगे तो हमारे फैमिली को मिलेगी, हमें मिलेगी। अगर आप किसी और को मिलने जाओगे उस वक्त तो वो हमारी जो ब्लेसिंग्स होगी वो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, ऐसे गुरुजी बोलते थे। तो कभी भी गुरुजी के मतलब बोलते ना निरादर नहीं करना चाहिए हमें कोई चीज़ का। अगर गुरुजी हमें कुछ गुरुजी बोलते थे मैं सबको तीन बार वो चीज़ बोलूँगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, अगर तुमको सुनना है तुम सुनो, नहीं सुन रहे हो तो मैं तुम्हें तीन बार बोलूँगा वो चीज़, उससे ज़्यादा मैं कभी नहीं बोलूँगा। अभी मैं उस दिन एक सत्संग सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था सत्संग, एक अंकल का था से, तो वो अंकल ना गुरुजी मतलब वो फेसबुक पे आया था, मैं बताती हूँ आपको, वो अंकल ना गुरुजी को बोलते कि गुरुजी के पास जाते वहाँ बैठते, तो गुरुजी तो आपको पता है गुरुजी तो पहले स्कैन करते थे सबको और वो पता चल जाता था, और वो तो वैसे भी पता चल जाता था उनको कि ये बंदा ये संगत आंटी कैसी है, ये संगत अंकल कैसे। तो वो अंकल को देख रहे थे तो गुरुजी अंकल मन में बोल रहे गुरुजी को कि गुरुजी मैं आपको तब से मानना स्टार्ट करूँगा जब आप मेरे 5 लाख किसी से दिलवाओगे, उनके किसी से 5 लाख बाकी थे। तो बाद में उन्होंने ऐसे सोचा कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं क्यों गुरुजी पे मतलब जज कर रहा हूँ मैं गुरुजी को बैठ के, मुझे ऐसे जज नहीं करना चाहिए उनको। तो वो ना ऐसे ही मतलब एक हफ्ता तक नहीं जाते वहाँ पे मंदिर में, वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन या कहीं टूरिंग पे चले जाते हैं, अंकल जॉब कर रहे होते। तो एक हफ्ते बाद उनको जिनसे 5 लाख लेने होते हैं ना उनका फ़ोन आता है और बोलते हैं कि अंकल आपके 5 लाख बाकी है वो मैं आपको देता हूँ, प्लस मैं आपको 30,000 इंटरेस्ट भी देता हूँ। सो सी गुरुजी उन्होंने मन में बोला था, उन्होंने गुरुजी का नहीं बोला था, बट गुरुजी मन की बात सुनते हैं। सो उसमें क्या हुआ, वो फिर वो अंकल जब गुरुजी के पास जाते दर्शन करने तो गुरुजी उनको बोलते हैं क्यों आ गए तेरे 5 लाख, तेने विश्वास हो गया मेरे पे। मतलब गुरुजी टेस्टिंग होता है, वो एक पेशेंस लेवल होता है, वो टेस्टिंग पीरियड होता है हमारे, वो देखते हैं कि आप कैसे उनको जज करते हो आप कैसे, बट हमें कभी उन्हें जज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो शिव जी है, वो महाशिव है, वो शिव जी के अवतार है, हमें उन्हें कभी भी जज नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा उनको बोलते ना कि हमें उनके आगे सरेंडर कर देना चाहिए, कि गुरु जी को बोलना चाहिए गुरु जी ये मेरी लाइफ है, आप मेरा अगला पिछला सब कुछ आपके हाथ में है, मैं आपके हाथ में छोड़ रही हूँ, मेरा अच्छा बुरा वो आप जानो, मेरे को पता है मेरी लाइफ बहुत है। वो आपको 100% आपको उनके आगे सरेंडर करना पड़ेगा गुरुजी के आगे, तो आप उन्हें जज नहीं कर सकते हो, उनको सब कुछ पता है आपका।
मैं पता है सच्ची बोलूँ, मैं हमेशा कभी कभी सबकी थिंकिंग होती है, मैं भी सोचती हूँ कि आगे मेरा फ्यूचर कैसा होगा, कितना मतलब क्या होगा क्या, बट जब भी मैं फेसबुक ओपन करती हूँ ना, मुझे एक ही मैसेज आता है कि पुत्र तू चिंता क्यों करती है, मैं बैठी हूँ ना, जब जब तूने मेरा हाथ फड़ लिया है, मेरा हाथ ले लिया है, तो तेनू कुछ नहीं होगा, ये सब मुझे मैसेजेस आते हैं। सो आई फील सो हैप्पी कि गुरु जी आप मेरे साथ हो, आपने मेरी बाह फड़ ली है, आपने मतलब मेरे साथ बैठे हुए हो। सो हमेशा आप गुरु जी को ट्रस्ट करो, गुरु जी से प्यार करो, उनसे उनसे बातें करो। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं हमेशा सत्संग में बोलती हूँ, वो गुरु जी को बोलो और किसी को भी मत बोलो, ना ही आपके हस्बैंड को बोलो, ना ही आपके कोई फ्रेंड्स को बोलो। क्योंकि देखो हस्बैंड को बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्रेंड्स और इन सबको बोलने में क्या होगा, बातें आपकी और फैलेगी, आपकी बातें और बाहर जाएगी। सो बेटर आप कुछ भी मत बोलो, किसी को भी मत बोलो, आप चुप करके सिर्फ गुरु जी को बोलो। जितनी भी अपनी प्रॉब्लम्स होती है आप गुरु जी से बात करो। मेरे को कभी कुछ होता है ना, मैं सीधा गुरु जी के स्वरूप के आगे बात करती हूँ और मैं रो देती हूँ। अब मैं रोती भी हूँ ना, तो मुझे उसके रिलेटेड भी मैसेज आती है कि तू पुत्र तू रोती क्यों है, तू रोती है मैनू नहीं अच्छा लगता, मतलब ऐसे सब मुझे मैसेजेस आते हैं फेसबुक में ओपन करती हूँ। एंड आई फील सो हैप्पी कि वाओ गुरु जी आप मतलब इतना ध्यान रख रहे हो मेरा, इतना प्यार कर रहे हो। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना सत्संग अब यहीं बढ़ाती हूँ संगत जी, एंड जाने से पहले मैं भजन सुना के जाती हूँ आपको। आप लोगों को पता है मैं भजन सुनाए बिना नहीं जाऊँगी। सो एक मैंने कल भजन सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं वही सुनाती हूँ। Yeah.
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आनंदम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हमेशा साथ रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। एंड संगीत जी, मैं अपना सत्संग यही बढ़ाती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूँगी जब गुरु जी की मर्ज़ी होगी। मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ एंड मुझे बस कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप लोग सब मेरे बेबी को बहुत ब्लेस करो, इतनी ब्लेसिंग्स दो मेरे बेबी, आने वाले बेबी को, और गुरु जी बहुत ब्लेस करे मेरी बेबी को, मुझे ब्लेस करे। एंड बस क्योंकि नेक्स्ट मंथ से मेरा 9th स्टार्ट होने वाला है, सो बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे आप सबकी, गुरु जी की। और आज जिन जिनका बर्थडे है, मैं उन सबको बोलना चाहती हूँ कि आप सबको हैप्पी बर्थडे, गुरु जी हमेशा खुश रहे, आप रखे आपको। एंड जिन जिनकी एनिवर्सरीज हैं, उन सबको विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी, आपका जोड़ा हमेशा गुरु जी सलामत रखे, हमेशा बनाए रखे, बस और कुछ नहीं चाहिए। एंड अगर मेरे से इस सत्संग के दौरान कुछ भी मुझसे गलती हो गई है, गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, सॉरी, भूल चुक माफ़। एंड मैं फिर से आप सबको मिलूँगी नेक्स्ट शुक्राना सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।